सो चैंपियंस, जिस वीडियो का आप सभी कर रहे थे बेसब्री से इंतजार और मैं भी सोच रहा था कब लेकर के आपके पास आ जाऊं फिजिक्स का पेपर, लेकिन देखिए जब मिलेगा तभी लाऊंगा ना। मेरे पास अभी तक पेपर नहीं था, फाइनली मुझे पेपर मिल चुका है, कक्षा 12वीं का ये भौतिक विज्ञान का पेपर है। तो पूरा पेपर मैं आपको इसी वीडियो में रिवील करने वाला हूँ, संपूर्ण पेपर आपको बता दूंगा। रात पड़ी हुई है पूरी पूरी, रात में अगर आप ये पूरा हल कर लेंगे ना 2 से 3 घंटे का आपको समय लगेगा। सॉल्यूशन अगर आप मांगते हैं तो सॉल्यूशन भी दे दूंगा, सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। लेकिन वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसको भेज दीजिए। देखिए रोल नंबर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे भरना होगा, यहाँ पे भरना पड़ता है, फिर ये कुछ इस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है। सो यहाँ पे ये निर्देश है, ये निर्देश आप देख लें, कुछ इस प्रकार से पूरा पेपर रहेगा। 1207 A सेट A वाला पेपर है। अगर आपको सेट बी मिलता है तो आपके लिए भी मतलब बेनिफिशियल रह सकता है, लेकिन सेट ए वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उन्हीं के लिए ये बना हुआ है। सो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सही विकल्प दिए गए हैं, एक एक नंबर के साथ सही विकल्प रहने वाले हैं। सो जल्दी जल्दी हम सारे सही विकल्प यहाँ पे देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पे सही विकल्प दिए गए हैं। पहला जो दिया गया है, टीवी नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगें होती हैं, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, इसकी किस चीज पे करता है, किसी परिपथ में धारा मापने के लिए क्या लगाते हैं, अमीटर लगाते हैं या फिर यहाँ पे आपको बताना है। चुम्बकीय के क्षेत्र की तीव्रता का CGS मात्रक पूछा गया है। यांत्रिक ऊर्जा को यहाँ पे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है, AC डायनामो है या फिर DC मोटर है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गणितीय अनुमान सर्वप्रथम किसने किया था। इसके बाद है शुद्ध जल के निरपेक्ष यहाँ पे अपवर्तनांक का मान होता है, कितना होता है बताना है। संट के उपयोग से धारा मापी खालिस्तान कम हो जाती है, क्या कम हो जाती है, ट्रांसफार्मर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी देखिए एक एक नंबर के साथ यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये सातों में आपको दिखा देता हूँ। प्रकाश तरंगों की जो आवृत्ति है और खालिस्तान कोटि की होती है, किस कोटि की होती है, यहाँ पे जिन बिंदुओं पर तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं वहां खालिस्तान व्यतिकरण होता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या खालिस्तान ने की थी। यहाँ पे परमाणु की संरचना का यहाँ पे अध्ययन सर्वप्रथम खालिस्तान ने किया था, राइट। ट्रांजिस्टर है उसमें उत्सर्जक को सदैव खालिस्तान अभिनीति में रखा जाता है, तो ये आपको बताना था। 1207 A